टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। तो गाइस देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स हमेशा की तरह निकाल कर रखे हैं। ये एंजल कार्ड्स हैं जो मैं लास्ट में देखूंगी कि एंजल्स की तरफ से जो हमें हर बार इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या है। देन वी हैव सम ड्रीम्स जो कि मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग के साथ आपको लास्ट में बताऊंगी। मेजर अरकाना से हर बार हम देखते हैं पांच कार्ड कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में क्या हो सकता है, और टैरो से हम देखेंगे कि क्या ओवरऑल एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। ठीक है, जहाँ तक बात करें लास्ट प्रेडिक्शन की, तो लास्ट हफ्ते में मैंने कुछ चीज़ें बोली थी जो आप में से ही लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं। और सबसे पहले तो मैंने महाकाल की तस्वीर लगाई थी, उसमें भोलेनाथ की तस्वीर लगाई थी, वो भी तांडव रूप में। मैंने ये भी कहा था कि भगवान शंकर रुष्ट है और वो शांत हो जाए। ठीक है, अगर आपको याद होगा, देखिए मैंने ये भी कहा था, सन और मून का कार्ड था, मैंने कहा था फायर और वाटर से रिलेटेड खबर आएगी। ठीक है, ये भी कहा था कि मासेस को इफ़ेक्ट करेगा, ग्रुप की खबर आएगी, और उसके एक या दो दिन बाद ये खबर आई कि बलिया में नाव में 50 लोग या उससे ज़्यादा लोग सवार थे और वो पूरी नाव पलट गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कृपा की और 5-6 लोगों की ही डेथ हुई और बाकी सभी लोग सेफ निकल गए उसमें से। तो कोप का भाजन जिसे बनना था वो बन गया, भगवान भोलेनाथ जिनको अपनी शरण में लेना चाहते थे वो ले गए, लेकिन मासेस से रिलेटेड खबर आई। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दें। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि छोटी सी नाव पे इतने सारे लोग बैठ के ट्रैवल ना करें, थोड़ा सा अपना सेंस यूज़ करें। भाई दो नाव कर लें, अगर जाना ज़रूरी है दो नाव कर लें, लेकिन एक नाव पे इतना बोझ देंगे तो उसमें नाव की क्या गलती। दूसरा, मैंने कहा था कोई एंशंट किसी चीज़ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी। ठीक है, और आपने देखा कि हमारे संसद भवन में सेंगोल, एक बहुत ही एंशंट चोला साम्राज्य से वो चलता आ रहा, उसके भी पहले से, और तमिलनाडु से उसको लाकर हमारे संसद भवन में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये एक एंशंट जो उसमें बहुत बड़ी बात है कि वो एक शंख के प्रतीक के रूप में है, ऊपर नंदी महाराज विराजित हैं और वो राजदंड उसे कहा गया है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, वो हमारे संसद भवन में स्थापित किया गया है। इसके अलावा मैंने कहा था कि फायर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, तो काफ़ी फायर की न्यूज़ काफ़ी लोगों ने मुझे भेजी, मुझे याद नहीं है गाइस, बहुत सारी न्यूज़ थी, कहाँ कहाँ की थी मैं ये भी नहीं जानती। पहली बात तो किसी ने भेजा था कि 20 बच्चे मर गए जलकर, कौन सी जगह थी आई डोंट नो, 20 बच्चे स्कूल स्टूडेंट्स जलकर मर गए, तो बहुत ही दर्दनाक ये सब खबर होती है गाइस। उसके अलावा मैंने कहा था मासेस से रिलेटेड खबर आएगी, तो हमारे भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी खबर आई, किसी ने भेजा था कि क्रूज शिप, मेरे ऑस्ट्रेलिया के ही कोई क्लाइंट थे, क्रूज शिप से रिलेटेड कोई खबर भेजी थी उन्होंने, जहाँ पे 3,000 पैसेंजर्स समुद्र में अटक गए थे, मतलब पूरी फायर कैच कर ली थी उस क्रूज शिप में, तो कुछ इस तरह की न्यूज़ थी। तो गाइज आप लोग सब मुझे बताते हो और वही मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा था पब्लिक इमेज से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएगी, जो कि एक के बाद एक के बाद कई पब्लिक इमेज की डेथ हुई, और उनमें से एक तो मेरे फेवरेट भी थे नीतीश पांडे जी। तो नीतीश पांडे जी का सीरियल मैं भी देखती थी, काफ़ी टाइम से देखती थी, बचपन से देख रही हूँ। सो बाकी हाँ, सारा भाई वर्सेस सारा भाई की जो थी जैस्मिन, उनको भी मैंने देखा हुआ था, वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज़, पहले जब मैं छोटी थी तो वो सीरियल मैं बहुत देखती थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो निकल कर आई। सो एनीवेज, जो होना होता है वो हो जाता है, एंजल्स हमें सिर्फ गाइड करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं इस हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा।
एक ही शफल करती हूँ मैं गाइस, एक कार्ड और आया है। तो जो कार्ड हमें मिले हैं हम एक एक करके देखेंगे। तीन लोगों ने मुंह छुपा रखा है तो इन्हें हम छुपा ही रहने देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स। बहुत सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मतलब कि अगर आप लोग बहुत टाइम से मिलते नहीं हैं, बहुत दूर हैं, एक कोई अलग है, एक कोई फॉरेन में है, या आप यहाँ हैं कोई दूसरे स्टेट में है, ऐसे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से मुलाकात हो सकती है। और मुलाकात पॉसिबल ना भी हो पाए तो एटलीस्ट बातचीत हो जाएगी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। ठीक, इसके अलावा गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैं ये बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, परमानेंट वहाँ के रेजिडेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं पीआर के लिए, तो इससे रिलेटेड कोई ख़बर आपको मिल सकती है। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब जगह चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट कार्ड। आप में से बहुत सारे लोग अगर डिवोर्सी हैं या विडो हैं या विडोअर हैं, सिंगल हैं लेकिन आपका किसी तरह का पास्ट है, मे बी यू कैरी सम पास्ट, तो या तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है या आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसका किसी तरीके का पास्ट हो। ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, मे बी वो आपके फ्रेंड के रूप में आए आपकी लाइफ में, आपको प्रपोजल के रूप में आए, बट यहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे उनका किसी तरीके का पास्ट हो सकता है। प्लस इसके अलावा कुछ लोगों को मर्चेंट नेवी, नेवी या आप कह सकते हैं डॉक्टर, इससे रिलेटेड या तो आपके लाइफ में कोई किसी की एंट्री हो सकती है, या तो इंडियन नेवी से रिलेटेड हो, मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हो, या डॉक्टर हो, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई लोग की एंट्री हो सकती है। आप कह सकते हैं कि कोई आर्मी या नेवी से रिलेटेड प्रोफाइल हो सकती है, या फिर आप में से कुछ लोग ट्राई करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई ख़बर आपको रिसीव होगी अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वी हैव बहुत सारे लोगों का अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल यहाँ पे इंडिकेशन में आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल का मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्लान किया हुआ, आपको पता है कि इस हफ्ते में जाना है, तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं है। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल है मतलब सडनली आपका कोई दोस्त बोले कि यार मैं वहाँ जा रहा हूँ कल चलेगा क्या, और आप चल चले, ठीक है, चाहे आप दर्शन करने चले गए, कहीं भी चले गए, ये अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होता है। या आपको किसी का साथ मिल गया और आप निकल गए कहीं पे दूर, कहीं आप घूमने फिरने इंजॉय करने, तो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल किसी के साथ हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही आपके पर्सन से, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्विक डिसीजन लेंगे, सडनली आपने कोई डिसीजन मन में बना लिया और आप उसकी तरफ एक्शन ले लेंगे, आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका निर्णय सही है गलत है, आप बस हड़बड़ी में कोई निर्णय ले सकते हैं, और ये जो आप निर्णय लेंगे ये आपके साथ साथ दूसरों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ये जो निर्णय है ये रिलेटेड विद लव लाइफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई निर्णय यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स अगर आपको कह रहे हैं ये करो, आपका कोई और मन है और आप किसी और डायरेक्शन में बढ़ना चाह रहे हैं, आपने सीधा मना किया और आपने कुछ और फील्ड चूज़ कर लिया, कुछ इस तरह की वाइब्स यहाँ पर गेट हो रही हैं। नेक्स्ट वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पर ये लग रहा है आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड आपका कोई एक्स आपके लाइफ में रिटर्न आ सकती है या रिटर्न आ सकता है, या कोई ओल्ड फ्रेंड जिसके साथ आपकी बड़ी सारी मेमोरी है उसकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल, हाल चाल रिसीव हो सकता है। हो सकता है कि आप उससे मिलकर बात करें या उनका कॉल मैसेज रिसीव करें, खुश हैं बहुत आप। इवन आप में से कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कोई प्रपोजल आ सकता है अनएक्सपेक्टेड, और आपकी डेट हो सकती है किसी के साथ, आप किसी से मुलाकात करने जा सकते हैं। देन वी हैव मैरिज इंडिकेशन। यहाँ पर कुछ लोगों का शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है, शादी फिक्स हो गई या शादी से रिलेटेड कोई कमिटमेंट मिल गई, या मैरिज से रिलेटेड आपके घर में अनएक्सपेक्टेड कोई रिश्ता तय हो गया, इंगेजमेंट फिक्स हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं।
आप में से कई लोगों का घर भी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि आप में से कुछ लोगों को घर से रिलेटेड भी कोई ख़बर मिलेगी, जैसे आपने या आपके हस्बैंड ने सरप्राइज़ दे दिया कि हमने यहाँ पे प्लॉट बुक किया है, या हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, या हम यहाँ घर बुक कर रहे हैं, ठीक है। सडनली आपके लाइफ में कोई घर से रिलेटेड कोई ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो सकती हैं। देन वी हैव अ वेरी रोमांटिक पर्सन कमिंग एंट्रिंग इन योर लाइफ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव सा पर्सन है, बहुत ही गुड लुकिंग है, लड़की हो या लड़का हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पैथ है, मतलब इसके अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, रिस्पेक्ट है, केयर है, ऐसा पर्सन जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो लोगों की विश होती है कि मेरे पर्सन में ये क्वालिटीज़ हों, कोई वैसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हैं जो कि इस नेचर का है, तो उसकी तरफ से आपको कोई इमोशनल मैसेज रिसीव हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से उनके इमोशंस, फीलिंग्स जो उन्होंने दबा कर रखे हैं, सप्रेस रखे हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देन वी हैव गुड न्यूज़, स्पेशली जो लोग गैजेट्स या कार के या बाइक के शौकीन हैं, उनको किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है, सरप्राइज ब्लेसिंग्स हैं, कोई महंगी ब्रांड की वॉच यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को वॉच से रिलेटेड या कोई महंगे ब्रांड का कोई पेट, आजकल तो पेट में भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं, तो कोई बहुत ही महंगा पेट या ब्रांड कोई है, यहाँ पर ब्रांड की एनर्जी है, आप में से कुछ लोगों को रिसीव हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लस कुछ लोगों को बहुत ही महंगी कोई कार या बाइक रिसीव हो सकती है, जो मतलब आपकी ड्रीम्स में आप देखते हैं कि हाँ मुझे काश ये मिल जाए। देन वी हैव गुड न्यूज़ फॉर फीमेल्स हु वांट टू कंसीव, यहाँ पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ है। कई लोगों को यहाँ पर न्यू बिगनिंग होगी, अनएक्सपेक्टेड ऑफर मिल सकता है रिलेटेड विद फूड एंड रेस्टोरेंट, फर्नीचर से रिलेटेड, ज्वेलरी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, ज्वेलरी शोरूम से रिलेटेड, या तो आप कोई इनॉग्रेशन कर सकते हैं, या आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कोई ऑफ़र मिल सकता है, या आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं आने वाले हफ्ते में, या बहुत ज़्यादा शॉपिंग की एनर्जी है, तो अपने ऊपर, सेल्फ के ऊपर आप कुछ खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव आवर फेवरेट कार्ड, दैट इज़ डेविल, और यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है, कुछ लोगों को नज़र लगने वाली है। अपने लाइफ में आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं अच्छा, या आपने कुछ बनाया है अपने लाइफ में, इन्वेस्टमेंट बनाया है, शेयर ना करें। आपकी लव लाइफ में आपका पर्सन आपसे कितना प्यार करता है, या आपका पर्सन आपसे कितना ज़्यादा अटैच्ड है, वो आपके लिए कितना पॉजिटिव है, ये भी आप एक्सप्रेस ना किया करें। अगर आप ऐसा करते हैं अपनों में, जैसे होते हैं ना पांच फ्रेंड्स बैठ गए, अरे मेरा वाला तो ऐसा करता है, अरे मेरी वाली तो ऐसी है, मेरा वाला तो ऐसा है, उसी में किसी ने, एक ने उठ के बोला, नहीं मेरा वाला तो बड़ा अच्छा है, मेरा वाला तो बेस्ट है, तो नज़र लगती है गाइस। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड किसी सिचुएशन में नज़र लग सकती है, किसी की बुरी दृष्टि, किसी की बुरी जो एनर्जी है वो आके आपसे चिपक सकती है, तो ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड उनके घर में झगड़े हो सकते हैं, कलह कलेश हो सकते हैं, आपके घर का जो मेल फिगर है, जो भी आपके घर में अथॉरिटेटिव फिगर है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अगले हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में नज़र आ सकता है। आपको समझ नहीं आएगा कि इनको अचानक क्या हो गया, ये इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हैं, तो ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर नज़र आ रही हैं, तो अवेयर रहें, सतर्क रहें, ठीक है। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। विल टेक फाइव कार्ड्स। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो लड्डू गोपाल। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, लो कर लो बात। थ्री मोर कार्ड्स एंजल्स, टू मोर कार्ड्स अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, वन मोर कार्ड जय हो राधे कृष्णा। इसको पहले से पता चल गया था कि आज प्रभु दर्शन देने वाले हैं, भाग के आ गया पहले ही,
मौका मिलते ही बाहर, इसकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो यहाँ पर जो एनर्जी है, देखिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स तो पहले ही मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे मैंने चैरियट आपको पहले ही बता दिया, डेविल आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट है वो बताती हूँ। यूनियन से रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, क्योंकि मैसेज का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, बहुत सारे लोगों के पर्सन वापस आएंगे, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो या सेपरेशन हो, किसी भी तरह का नो कांटेक्ट हो, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की यूनियन की ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। डेविल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है, कुछ अग्रेसिव हो सकते हैं आपके परिवार के लोग, या फिर नज़र लग सकती है, तो ये दो चीज़ यहाँ पर निकल कर आया है। ठीक है, नेगेटिव अटैक भी हो सकते हैं, नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं। बची यहाँ पे दो एनर्जी जो कि है जजमेंट एंड टावर की। यहाँ पर कुछ ऐसे डिसीजंस या तो आप लेंगे, या आपके लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस आने वाले हैं, या कलेक्टिवली ओवरऑल कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो कि ब्रेक थ्रू लेकर आएंगे, एक बड़ा चेंज लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। और ये जो बड़ा चेंज है, ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सट्रीमली नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज टावर एंड जजमेंट इज़ अ ब्रेक थ्रू। तो डिपेंड्स ऑन द कर्मा, कि आपके कर्म के अनुसार आपको क्या ब्लेसिंग्स या क्या वार्निंग्स दी जा रही हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई टावर, हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ये टावर क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड में टावर का कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहता है, क्या और कोई कार्ड आना चाहता है। हेल्थ से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़, सॉरी यहाँ हेल्थ से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ है, सॉरी बैड वाइब्स हैं। ठीक है, पानी से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ हो सकती है, पानी से रिलेटेड, बिकॉज़ यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फायर एनर्जी भी है, फायर एंड वाटर पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एंड देन वी हैव सफरिंग, कुछ लोगों को कोई ऐसा डिसीजन का सामना करना पड़ सकता है जो कि आपको स्लीपलेस नाइट दे देगा, बहुत स्ट्रेस दे देगा। सडनली जैसे कुछ बैड न्यूज़ आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली इंट्री कर सकती है, स्पेशली कोई कोर्ट कचहरी का मसला हो, या कोई ऐसी खबर आपको मिले जो कि आपको हर्ट कर दे, सफरिंग में डाल दे, या टेंशन दे दे रिलेटेड विद एनी डिसीजन। जैसे आपको कोई ऐसा डिसीजन पता चल जाए जो कि आपको अफेक्ट करे, अब घर बैठे अपना पढ़ाई लिखाई करते अचानक से फादर आके बोलें कि भैया कल तुमको कोई देखने आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जो कि आपके आने वाले सपने जो भी हैं, ड्रीम्स जो भी हैं, उसमें एक अड़ंगा डाल दें, एक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं। प्लस कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि सडनली कोई ऐसी खबर आए जो कि किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। वैसे भी मैंने लास्ट वीक में भी प्रेडिक्ट किया था कि कुछ वायरसेस वापस निकल सकते हैं, और उसके बाद से कोरोना की न्यूज़ वापस आ गई, तो नया नया वेरिएंट, जय हो राधे कृष्ण। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, मास्क हमेशा लगा कर रखिए, स्पेशली बाहर जा रहा है जो बंदा, वो ज़रूर ध्यान दे। तो ड्रीम्स की बात करते हैं, देखते हैं इस हफ्ते में कौन कौन से ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोगों से ड्रीम रेजोनेट करते हैं, बहुत खुशी होती है। थैंक यू एंजल्स। ओके, तो पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग कर दूं वरना मैं भूल जाऊंगी। आप में से कुछ लोगों को बच्चे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। मुझे तो बड़ा प्यारा बच्चा दिखा, बहुत ही सुंदर, मेरे लड्डू गोपाल जैसा बिल्कुल, और उन्हें मैं बहुत खिला रही थी और वो बहुत नॉटी बच्चा था, एकदम इनके जैसा। तो बेबी से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं। ठीक है, कि आप बेबी के साथ खेल रहे हैं, या बेबी को आप सुला रहे हैं, या बेबी को आप फीड कर रहे हैं, कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम आ सकते हैं अनएक्सपेक्टेड, जिसमें आपकी ज्वेलरी खो गई है, या तो खोने के बाद मिल गई वापस, या तो खो गई वापस। अगर खो गई तो बहुत अशुभ है, खोने के बाद मिल गई तो बहुत शुभ है। और अगर ज्वेलरी ना खोई ना मिली, बट आपके पास है, आप देख रहे हैं, सब कुछ सही है, नॉर्मल है, तो भी बहुत शुभ है। आपको सिस्टर से रिलेटेड या डैडी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, आपके पिताजी या आपकी बहन ड्रीम में नज़र आ सकती है। कुछ लोगों को उनके जीजा जी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को ऐसा ड्रीम आ सकता है जैसे आप कहीं खड़े हैं और कोई वॉल गिर रही है, या घर गिर रहा है, या दीवार गिर रही है, कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं।
कुछ लोगों को फ्रूट्स से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या तो आप खड़े फ्रूट्स देख रहे हैं, बंच में देख रहे हैं, या बहुत सारे फ्रूट्स देख रहे हैं, मिक्स्ड फ्रूट देख रहे हैं, कटे हुए देख रहे हैं, या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी देख रहे हैं या बहुत सड़ी हुई क्वालिटी देख रहे हैं, ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों को ये भी नज़र आ सकता है कि आप फ्रूट्स देख रहे हैं और उसके जूसेस निकाल रहे हैं। अगर आप जूसेस निकाल रहे हैं तो आप पी भी रहे हैं या पिला रहे हैं किसी को, ये भी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ये बहुत ही शुभ सपना है। इसके अलावा कुछ लोगों को भीड़ नज़र आ सकती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा मटके से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। कुछ लोगों को पर्स से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, या तो आपका पर्स खो गया या मिल गया, या पर्स आप देख रहे हैं, या बहुत सारे पर्स देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ ड्रीम्स हैं जो आप में से ज़्यादातर लोगों को नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रीम हमें एंजल्स ने बताए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें फ्लावर से रिलेटेड है, स्पेशली लोटस। ठीक है, लोटस या कोई लिली फ्लावर या वाइट कलर का कोई फ्लावर अगर आपको दिखता है, बहुत ही शुभ है गाइस। इसके अलावा आपके लाइफ में अबंडेंस का प्रतीक है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाली है, आगे चल के कुछ अच्छे पल आपके बीतने वाले हैं। इसके अलावा बर्ड्स से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, स्पेशली कपल में बर्ड्स आपको नज़र आ सकते हैं। घर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है, या तो वो आपका अभी का प्रेजेंट घर हो या कोई अननोन घर हो। टाइम ट्रैवल की एनर्जी है, कुछ लोग टाइम ट्रैवल करेंगे, या तो आप अपने अभी आप प्रेजेंट से ज़्यादा फ्यूचर में जाकर कुछ देख सकते हैं, या पास्ट में जाकर अपनी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। इस तरह के ड्रीम्स आप में से कई लोगों को आ सकते हैं। तूफान या पेड़ पौधे के ड्रीम आपको आ सकते हैं, कई बार पेड़ पौधे उड़ते हुए दिख सकते हैं या स्टिल दिख सकते हैं। फेदर से रिलेटेड आप में से काफ़ी लोगों को मैसेजेस मिलने वाले हैं। रेनबो से रिलेटेड आपको मैसेजेस मिलने वाले हैं ड्रीम्स के थ्रू। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर ग्रुप ऑफ बर्ड्स के थ्रू आपको कोई डिज़ाइन आपको दिख सकती है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है। माउंटेन से रिलेटेड आने वाले हफ्ते में कोई खबर भी आ सकती है और आपको ड्रीम में भी नज़र आ सकता है। फार्मर से रिलेटेड, फार्म हाउस से रिलेटेड, या फार्म से रिलेटेड, फार्म में पानी भर गया या फार्म में आप हल चला रहे हैं, कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। चूहे से रिलेटेड, रैट से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। कुछ लोगों को कोई एंटिक सामान ड्रीम में दिख सकता है, कोई पुराना, कोई जैसे होता है ना अलादीन का, वो क्या कहते थे उसको हम लोग, जिन का क्या कहते, चिराग, चिराग टाइप का कोई चीज़। कुछ लोगों को कोई गेम खेलते हुए नज़र आ सकता है। कुछ लोगों को ये नज़र आ सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वाया शिप। ठीक है, स्पेशली शिप से रिलेटेड, बोट से रिलेटेड कोई ड्रीम आपको आ सकता है। तो ये गाइज इस हफ्ते की ड्रीम्स हैं। नेक्स्ट वी हैव एंजल मैसेज, जिससे कि सभी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, इवन मैं भी डर जाती हूँ, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चीज़ें अच्छी अच्छी हों, लेकिन गाइस इन्फॉर्म करना मेरा काम है, मुझे यही काम दिया गया है। ओके, तो साउथ डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन वाले सतर्क रहें, नॉर्थ एंड साउथ से रिलेटेड न्यूज़ है। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेटिक ड्रीम्स अन बहुत ही अनयूजुअल से ड्रीम्स आपको आएंगे। ठीक है, देन वी हैव फॉरेस्ट बाथिंग, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। थंडर स्टॉर्म का कार्ड है और यहाँ पर है सोल लॉस, सोल लॉस। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी हो जो कि आत्मा से रुला दे, कुछ ऐसी न्यूज़, भगवान न करे, महादेव आशीर्वाद दें सबको, बट यहाँ पर ऐसी न्यूज़ अवेलेबल है तो मुझे बताना पड़ रहा है। नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, फॉरेस्ट बाथिंग, थंडर स्टॉर्म, ट्रांसफॉर्म विद रेवेंस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ लोगों का होगा। कुछ लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस आ सकते हैं जो कि अंदर से, आत्मा से जागृत करें, इनर हीलर की एनर्जी है। तो आप में से कई लोग अपने आप से जुड़ सकते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट हो सकते हैं, इनर हीलिंग की एनर्जी है, अपने आप को हील करने की एनर्जी है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइस। तो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको इस अनएक्सपेक्टेड से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है किसी भी तरीके से, भगवान करे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रेजोनेट करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, एक ड्रीम यहाँ रह गया जो कि पब्लिक इमेज या सन से रिलेटेड है। सन आपको ड्रीम में नज़र आ सकता है या कोई पब्लिक इमेज नज़र आ सकता है। ठीक है, या आप खुद को किसी बड़े नेम फेम के साथ देख सकते हैं कि आपके आसपास बड़ा काफिला उफिला है और आप बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ हो सकती हैं। तो ये छूट गए थे, अभी को नज़र आए मुझे, जय हो सूर्यदेव। तो ये चीज़ें हो सकती हैं गाइस। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।